बोले तो दो या दो से ज्यादा बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दो या दो से ज्यादा बॉडी दुनिया की कोई भी बॉडी हो सकती है, उसमें कोई कंपोजिशन नहीं होगा कि वो एक बॉडी कंपल्सरी अर्थ ही होनी चाहिए। ये ग्रेविटेशन कहता है, ग्रेविटी कहती है कि भैया दो या दो से ज्यादा बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट एक बॉडी कंपल्सरी अर्थ होना जरूरी है, उसको ग्रेविटी कहते हैं हम लोग। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग उसको कहते हैं कि भैया अगर कोई बॉडी अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है और वो बॉडी अगर टुवर्ड द सर्फेस ऑफ अर्थ के ऊपर है या अर्थ की ओर तरफ आ रही है ड्यू टू द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ, सो दैट टर्म्स इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीनों चीजें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? की एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। हर एक पार्टिकल दुनिया का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और उसी फोर्स को हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल एंड दैट बिगिन विद द फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा उसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर हम लोग यहां से इसका इक्वेशन बनाते हैं तो एफ इसी इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो वी आर यूजिंग कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज जी, दिस इज m1 m2 डिवाइडेड बाय d2। या d2 को आप r2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशंस, क्लियर। हां तो वेयर जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है आपका, और जी का वैल्यू हम लोग लेते हैं, जी का वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई यूनिट हर्ट्ज, वहां पे 6.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 11 और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये हो गया अगर इसका एसआई यूनिट में वैल्यू। अगर मैं इसका डायमेंशन ले लूं सीएस में वैल्यू क्या होती है 6.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 यूनिट का रहेगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम, क्लियर। हाँ और इसका अगर मैं यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन ले लूँ तो जी का डायमेंशन क्या हो जाता है, दिस इज L3 M1 T माइनस, सो दिस इज डायमेंशन फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन हम लोग बोलते हैं सो दिस इज द इक्वेशन फॉर, दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लियर। सो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ mass of two particles and inversely proportional to the square of actual distance between the two particles, so that is called as Newton's law of gravitation. F is directly proportional to m1 m2 divided by d2 where F is a gravitational force, m1 is a mass of the first particle or mass of the first body, m2 is a mass of the second particle or otherwise mass of the second body, and d is the actual distance between this two particle or two bodies, क्लियर। फिर उसके बाद में जो हम लोग जी यूज करते हैं जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, दिस इज इन एसआई यूनिट बट इन सीजीएस यूनिट 6.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक हो गया था हम लोग का। और फिर इसके बाद में हम लोग ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांसेप्ट चालू किया था, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे डिनोट करता है, जी से, अरे किससे डिनोट करता है, स्मॉल जी से। अब यहाँ पे देखेंगे अच्छे से, फिर से अगर मान के चलिए हमारी अर्थ सर्फेस है, इतना ही हिस्सा हम लोग कंसिडर लेके चलेंगे और यहाँ हम लोग ने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, खुद का कुछ ना कुछ मास होगा ना, और मास होगा तो ये भी है इसका वेट एक्ट होगा नीचे की तरफ से, है ना, सो वेट इज इक्वल टू क्या होता है जरा mg, ठीक है, बट ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है नहीं, तो यहाँ पे फोर्स कौन बैलेंस करेगा भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन बैलेंस करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए हम लोग लेते हैं भैया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फोर्स एक्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सो दैट इज mg और यहाँ रहेगा हमारा mg इज इक्वल टू क्या रहेगा, gm डिवाइडेड बाय r2 और ये हमारा ये था कैपिटल r2, सो वेयर कैपिटल r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर क्या आपका, एंड वेयर इज स्मॉल m इज अ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल m इज अ मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ स्मॉल m इज अ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहां से m और ये m कैंसिल हो जाएगा तो g का इक्वेशन आता है, दिस इज gm डिवाइडेड बाय r, gm डिवाइडेड बाय r।
So where G is a universal gravitational constant. G is a universal gravitational constant. So this is mg, क्योंकि वेट उतना ही होगा जितना उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। कोई भी चीज आर सरफेस के ऊपर अगर एक्चुअल में अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस के ऊपर रखा गया है और वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, ना ही उसका मोशन along the x, ना ही उसका motion negative x, ना ही उसका motion along the y plus y, और ना ही उसका motion along the negative y अगर है, so it means that it's stable, वो object stable state में। और जिस समय में कोई भी object stable state में होता है, अगर ये earth surface है मेरी और ये object अगर stable state में है, तो ये stable state में रहने के दो reasons हैं। And that reasons is कि इसका खुद का mass होगा, mass की वजह से weight act होगा नीचे की तरफ। और जैसे ही इसका वेट ऐड होगा नीचे की तरफ में तो वेट इज इक्वल टू लिखा जाएगा mg। सो वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वैल्यू होता है आपका 9.8 वैल्यू ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब ऑब्जेक्ट आपका अर्थ सरफेस के ऊपर रखा गया होगा तब g का वैल्यू 9.8 होगा। And when this object is moving away from this earth surface, the acceleration due to gravity, the value of g 9.8 is goes on decreasing. और वही earth surface से नीचे भी अगर जा रहा है तो again g goes on decreasing. At the center of the earth, the value of acceleration due to gravity is zero. अगर ये हमारी earth है, ये earth को अगर continue कर ले तो अगर मान के चलो यहाँ कहीं center होगा इसका अर्थ सरफेस का, अर्थ सरफेस में अगर ये हमारी कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ जा रहा है एंड इट इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। अब ये जीरो क्यों होता है हम लोग देखेंगे उसको, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड में, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ में, और वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड। तो तीन में डेरिवेशन हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड बोले तो हाइट, और वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ बोले तो नीचे की तरफ जाएगा, और वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बोले तो उसके विस्तार होंगे। तो तीन चीजें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ सर्फेस से एक पर्टिकुलर डिजायर्ड हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। Acceleration due to gravity on the surface of the earth, हम लोग को पता ही होता है, that is 9.8 meter per second square. And when it is going away, when it is moving toward the center of the earth, so the acceleration due to gravity again goes on decreasing. And at the center of the earth, the acceleration due to gravity is zero. So this is for altitude and this is for height. The meaning of altitude height and the acceleration due to gravity about depth. तो लेकिन earth surface एक spherical shape में है। हमारी अर्थ सरफेस एक स्फेरिकल शेप में, सो वी आर कंसीडरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। ठीक है, दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं यहां। एक्सेलरेशन ड्यू टू, फिर से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। क्लियर, तो उसी को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द लैटिट्यूड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सो दैट मींस इट इज एट द इक्वेटर एंड इट इज एट द पोल। वो बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ यहाँ, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका मतलब यह है कि उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा होगा, बट ये ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए अर्थ सरफेस ऊपर की डायरेक्शन से एक फोर्स लगाती है और उस फोर्स को कहते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज एम। अगर आप लोग भी अगर ढंग से बैठे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जो खुद का मास है, मास की वजह से वेट एक्ट होगा नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन से, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से वेट एक्ट होने के कारण वेट इज इक्वलेंट टू फोर्स, बट आप नीचे जा नहीं रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपके नीचे जाने वाले फोर्स को कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो उसको बैलेंस कर रहा है, और जो बैलेंसिंग फोर्स होता है, दैट बैलेंसिंग फोर्स इज योर नॉर्मल रिएक्शन।
तो जितना वेट आपका उतना ही नॉर्मल रिएक्शन, और इन अब नॉर्मल रिएक्शन तेरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रहा है, वेट नीचे आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, अगर मैं नीचे वाले जाने वाले फोर्स को और ऊपर वाले जाने वाले फोर्स को अगर प्लस या माइनस से डिनोट कर दूं, तो एन माइनस डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर, जीरो। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्सेस कितने हो गए, जीरो। एंड द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, या ऑब्जेक्ट ऑन द जीरो, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एंड व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो इट हैज टू मिनिमम सिचुएशंस, एंड दैट टू मिनिमम सिचुएशंस इज द वेट व्हिच इज एक्टिंग अलोंग दिस, द वेट व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दैट इज एम इनटू जी। और यही इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर अर्थ सरफेस फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और ये वेट नीचे की डायरेक्शन से आ रहा है, इसलिए अगर मैं माइनस से डिनोट कर दूं, ये ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस से डिनोट कर दूं, तो एन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस इधर चले जाएगा, मतलब माइनस डब्ल्यू इधर चले जाएगा, तो हो जाएगा डब्ल्यू। सो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू वेट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सो योर नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू वेट। नॉर्मल रिएक्शन जितना होगा उतना ही आपका क्या होगा, वेट होगा, ठीक है। और यही चीज के बाद हम लोग ये चीज सॉल्व करते हैं, सो वी गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दिस इज g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड दिस कैपिटल m इज मास ऑफ द अर्थ, ये मास है आपका अर्थ का, एंड कैपिटल r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ऑब्जेक्ट एक सरफेस ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर है, तब तेरा वैल्यू g इज इक्वल टू 9.8 रहेगा, दैट इज वैल्यू 6.67। आप यहां पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, दैट इज 6.67 * 10 पावर माइनस 11 मास ऑफ द अर्थ, दैट इज 6 * 10 पावर 24 kg। जानते हो ये वैल्यूज क्लियर? अब देख कुछ वैल्यू लिखवा दे, g की वैल्यू तो लिखवा के दिए, मास ऑफ द अर्थ होता है दैट इज 6 * 10 पावर 24 kg, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, रिमेंबर ये मास ऑफ द अर्थ है, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। So this is the radius of the earth. These are the standards value for this radius of the earth and the mass of the earth. Mass of the earth, radius of the earth. अगर आप यहाँ पे g का value put करेंगे, that is 6.67 into 10 power minus 11. Mass of the earth, that is 6 into 10 power 24 kg. And radius of the earth is 6400 kilometer. You have to put in the meter. ठीक है? तो आप इसका पूरा का पूरा calculation करेंगे, so we get the value, and that value is nothing but g is equals to 9.8 meter per second square. This is the exact reason why the value of g is 9.8 meter per second square on the surface of the earth. इसके पहले आप लोग ये सारी चीजों को रट के चल रहे थे, लेकिन आप अभी आप समझ में रहना चाहिए कि ये वैल्यूज आती कहां से। जिस समय में आप g is equals to gm divided by r square, g का वैल्यू पुट करेंगे, that is 6.67 into 10 to power minus 11, m पुट करेंगे आप कितना, 6 into 10 to power 24 kg, these all the standards values, ये सारी की सारी standard values है, और r आपका radius of the earth, radius of the earth is 6400 kilometer, the meaning of 6400 kilometer, you have to convert it into meter, and put the value, all this value in this equation, so we get the equation for g, and the value for the g, and this g is calculated after calculation, 9.8 meter per second square. This is the exact reason behind why this value is 9.8 meter per second square on the surface of the earth. जब कोई object on the surface of the earth के ऊपर रखा जाता है, तो उसका value 9.8 होता है. The meaning of 9.8, the acceleration due to gravity. आप यहाँ पे देखेंगे, this g m divided by r square. This g is acceleration due. This g is a universal gravitational constant. This capital M is a mass of the earth and this R is a radius of the earth. यहाँ equation में आपको small m नजर आ रहा है क्या? Equation में small m नजर आ रहा है, और small m यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं? Mass of the body. Mass of the. It means that acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the body. Acceleration due to gravity, आपका acceleration due to gravity, it is not depend upon the mass of the body. It is depending upon this mass of the earth. It is depending upon the radius of the earth. And it is depending upon the value of universal gravitational constant.
इसलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आप 3.9 जो भी लेते हैं दैट 6.67 इनटू 10 पावर माइनस 11 यहां सब की वैल्यू पुट करने के बाद में जी आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है. सो दैट स्मॉल जी अगेन इज डस नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. स्मॉल जी इज डस डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द अर्थ. और अर्थ है क्या? एक planet. So that means acceleration due to gravity is again depending upon the mass of the planets. So the acceleration due to gravity hoga, it is totally depending upon the mass of the planets and it is also depending upon the size of the planets. क्योंकि यहाँ equation में देख क्या आ रहा है, g is equal to gm divided by r square. This m is the mass of the earth. अर्थ हमारा एक प्लैनेट है. अगर मैं जी अगर प्लैनेट्स के लिए निकाल दूं तो दिस जी इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द प्लैनेट. दिस जी इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेडियस ऑफ द प्लैनेट. दिस जी इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्लैनेट. दिस आर दिस डिपेंडेंसी ऑफ यूनिवर्स, डिपेंडेंसी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सारी की सारी डिपेंडेंसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और अगर ये तो वैल्यू तब हो जाती है जब ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये एक पॉसिबिलिटी होगी. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई साहब ये ऑब्जेक्ट कुछ हाइट के ऊपर चले जाएगा और जैसे ही ऑब्जेक्ट हाइट एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर चले जाएगा सो इट मींस दैट कि ये ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ने यहां रख दिया तो यहां से एक सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज योर सरफेस ऑफ द अर्थ, एक पर्टिकुलर हाइट पे आ गया. सो दिस इज एच इज योर हाइट विच इज रिसीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. यह आपकी h की वैल्यू है. सो दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये हाइट है आपकी यहां से, तो इस सेंटर से अर्थ के सेंटर से एक्चुअल सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस लेंगे उसी को एक्चुअल डिस्टेंस लेते हैं हम लोग. और हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सा डिस्टेंस लेता है? एक्चुअल डिस्टेंस. सो वी कैन कंसीडर दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ. सो दिस इज नथिंग बट योर स्मॉल r. And the value of your small r is nothing but your capital R plus H. And this value that is small r is equals to capital R plus H, where R is the radius of Earth and H is the height of the object from the surface of the Earth. Ye height of object ki kahan se? From the surface of the Earth, where small r is the radius of the orbit. Small r kya ho jayega? Radius of? अगर ये सिंपल सी बात है, ये अगर घूम रहा है अराउंड द अर्थ सरफेस, सो दैट मींस r क्या हो जाएगा? देयर रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, सो देयर g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. क्लियर? अगर मैं यही इक्वेशन को अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे ले लूं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. बट ऑब्जेक्ट तो अब r सरफेस पे है नहीं, ऑब्जेक्ट तो एक पर्टिकुलर हाइट पे है. अगर ये पर्टिकुलर हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो दिस स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर इज रिप्लेस बाय स्मॉल आर स्क्वायर. इसे रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर एंड दिस जी इज रिप्लेस बाय जी सफिक्स एच. एंड दिस जी सफिक्स एच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ये जी एच क्या आपका एक्सेलरेशन ड्यू, जी तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सफिक्स में एच लगा दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर हाइट पे है. कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो दिस जी एच इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सो इक्वेशन रिप्लेस बाय दिस इज जी एम डिवाइडेड बाय दिस इज आर स्क्वायर. तो अब यहां क्या आ जाएगा? स्मॉल आर स्क्वायर. और यहीं से स्मॉल आर, फिर से स्मॉल आर क्या होता है? कैपिटल आर प्लस एच. सो इट मींस दैट जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर. सो ये एक इक्वेशन होगी. सो नाउ इज सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू. व्हाट इक्वेशन? इक्वेशन नंबर वन रिप्रेजेंट, इक्वेशन नंबर वन रिप्रेजेंट दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ. चलो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग. डिवाइड इक्वेशन टू बाय वन, दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेता हूं. तो डिवाइड करने के बाद में देख इक्वेशन क्या बनेगी फिर से. नाउ दिस इज टू डिवाइडेड बाय वन, टू डिवाइडेड बाय वन कर रहे हैं हम लोग. सो नाउ व्हाट इज इक्वेशन? जी एच अपॉन जी. तो इक्वेशन मांगी दे रही जी एच डिवाइडेड बाय जी. व्हाट रिमेन्स? जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
जीएम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जीएम डिवाइडेड बाई क्या कैंसिल हो रहा है, जीएम और जीएम क्या कैंसिल हो गया, जीएम और जीएम, सो दिस इज जी सफिक्स एच डिवाइडेड बाई जी, इसे ही क्वेश्चन दिस जीएम जीएम गेट कैंसिल, ये आर स्क्वायर कहां चले जाएगा, कहां चले जाएगा, ऊपर, सो अगेन दिस इज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का। अब थोड़े मैथमेटिक्स के रूल्स हम लोग जानते हैं कि भैया न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है तो कॉमन स्क्वायर लगा दे, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा जी एच डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर, क्लियर। अगर फिर से यहां से मैं जी एच का इक्वेशन बनाऊं तो ये जी इधर चले जाएगा और जैसे ये जी इधर चले गया तो बना इक्वेशन जी इन ब्रैकेट दिस इज आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच एंड दिस इज whole square, so this is the, again acceleration due to gravity at the height of h from the surface of the earth, but this equation represent, yahan equation mein dekho na koi capital G hai na hi koi capital M hai, ye equation dekhiye jo hum log ne nikali hui hai, so this is gh, again this is also acceleration due to gravity at the height of h from the surface of the earth, this is also acceleration due to gravity at the height of h from the surface of the earth, this is equation represent in terms of mass of the planet, in terms of in terms of universal gravitational force, but this equation but does not represent ki wo yahan pe acceleration due to gravity hai mass, so these are these two equations represent acceleration due to gravity at the height of h from the surface of the earth, so this is terms is called as acceleration due to gravity, आपने सिर्फ और सिर्फ इसके पहले सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सुना था, उसका वैल्यू सुना था 9.8 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बट क्या एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा समझ में आ गया विद डेरिवेशन, क्लियर, सो दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, क्लियर हुआ।